जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको बजरंग बाण पढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं हैं जीवन में। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। और एक आपसे चाहूंगा कि भाई आप इस वीडियो को लाइक बहुत ज़्यादा करें और साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि 6 ऐसी समस्याएं हैं जीवन में जो लगभग लगभग सभी लोगों को होती हैं, हर घर परिवार में होती हैं, और उसका हल, उसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इधर उधर भटकते हैं। आप हमारे पास आते हैं और हम भी आपको यही उपाय बताते हैं। तो मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। देखिए दोस्तों, बहुत ही जल्दी हो सकता है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो हम 1 मिलियन को क्रॉस करें, तो उसको जल्दी से कराइए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करिए। देखिए, पहली जो बाधा आती है, या कहूँ पहली जो समस्या आती है, वो आती है विवाह में आने वाली समस्याएं। अगर आप के विवाहित जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। ऐसे में आपको कदली का पेड़ के नीचे बैठकर बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपको हनुमान जी का जो आशीर्वाद है वो आपको प्राप्त होता है, आपका जीवन सुखमय रहता है। अगर कदली का पेड़ आपको नहीं मिले तो भी आप हर शनिवार और मंगलवार अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। बात करते हैं दूसरी समस्या की, और वो है कि भाई ग्रह दोष की समाप्ति के लिए, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है, अगर आप परेशान हैं, आपके ग्रह में कोई दोष लगा हुआ है, तो आप अगर सुबह उठकर, बल्कि कहूँ सूर्य उदय से पूर्व उठकर बजरंग बाण का पाठ करें और आटे से बना दिया, देखिए बहुत समय पहले आपने, अगर आपके घरों में हो, दीपावली पे भी हम आटे का दिया बनाते थे और हम घर के बाहर रखते थे, तो अगर आप आटे का दिया बनाकर जलाएं तो ऐसे में आपके कुंडली में जो भी दोष हैं, ग्रह दोष हैं, वह आपके दूर होते हैं और आपको सफलता यहाँ पर प्राप्त होती है। आगे बढ़ूँगा लेकिन आपसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, शेयर ज़रूर करिएगा। और अपनी समस्या आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको इस समय क्या समस्या है। कोशिश करेंगे उन समस्याओं को हल करने की। ये घर में, परिवार में गंभीर बीमारियां अगर हैं तो जैसे कि अल्सर हो गया, कैंसर हो गया, लीवर में दिक्कत आ रही है, तो राहु काल में हनुमान जी की को कुल 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। और इस दौरान घी का दिया जलाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। और अगर आपको कहीं पर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो भाई आपके मंदिर में, जो आपके आसपास मंदिर हैं, वहाँ पंडित जी हैं, आप उनसे भी ये उपाय चेक करा सकते हैं। अगर घर में बीमारी है जैसे मैंने आपको बताया, तो आप 21 पान के पत्तों की माला चढ़ाते हुए बजरंग बाण का पाठ करें। इससे आपका जो घर में, परिवार में दिक्कत आ रही है वो दूर होगी। साथ साथ घी का दिया जलाना ना भूलें। नौकरियों में दिक्कत आ रही है, अक्सर जो युवा वर्ग है उसको सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में यही है कि नौकरियां जो हैं वो नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे क्षेत्र में, या कौन जो नौकरियों में हैं उनके कार्य क्षेत्र में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो यहाँ पर मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें और बजरंग बाण का पाठ करें, और एक नारियल अगर हो सके लाल कपड़े में लपेट कर घर के एक कोने में रख दें। इससे आपको फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा रहेगा। मतलब हनुमान जी को चढ़ाना है, इसी दिन हनुमान जी को एक नारियल चढ़ाएं और उसे किसी लाल कपड़े में लपेट कर घर के एक कोने में रख दें। इससे भी चीज़ें आपकी दूर होती हैं। अब बात करते हैं वास्तु दोष के बारे में। वास्तु दोष जीवन में बहुत सारे समस्याएं पैदा करता है, और ऐसे में अगर आप नियमित रूप से बजरंग बाण का पाठ करें तो इससे वास्तु दोष आपका दूर होता है। और इसके साथ ही घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति अगर आप स्थापित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा मूर्ति स्थापित करने के नियम होते हैं और उन नियमों का पालन अगर आप कर सकते हैं तभी उसको करिएगा, नहीं तो आप अपने पंडित जी से बात कर सकते हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे, क्योंकि वीडियो में बहुत सारा बता पाना संभव नहीं होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक बार अपने पंडित जी से भी बात ज़रूर करें।
मूर्ति स्थापना अगर आप कर सकते हैं तो इससे वास्तु दोष की में मुक्ति मिलती है, नहीं तो मैंने आपको बताया है कि 3 बार अगर आप बजरंग बाण का पाठ करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा। कई महिलाएं और कई मेरे दोस्त ऐसे होते हैं इनकी शादी नहीं हो रही होती मांगलिक दोष की वजह से। वैसे तो देखिए मांगलिक दोष अगर कुंडली में है तो कोई बुरी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत परसेंटेज ऐसी है लोगों की जिसमें मांगलिक दोष पाया जाता है, और मांगलिक दोष कम हो सकता है लेकिन खत्म नहीं होगा। मांगलिक दोष में अगर आप बजरंग बाण का पाठ प्रत्येक मंगलवार करते हैं तो उसमें थोड़ा आराम आपको मिलता है, और साथ ही साथ अगर राहु और केतु की महादशा चल रही हो आपके ऊपर तो आप मांगलिक दोष और आपके पास है तो आप बजरंग बाण का पाठ आप करें। इसके अलावा आप किसी भी मुसीबत में हैं, आपको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप निरंतर फ्रस्ट्रेटेड हो गए लाइफ से और बहुत ज़्यादा निराशावादी हो गए, तो बस शरण में जाइए भगवान की और आप देखेंगे कि आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और सोने से पहले और ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज काफ़ी लाभ हुआ होगा। इस वीडियो को लाइक बहुत ज़्यादा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप शेयर कर रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा बता के कि भैया मैंने शेयर कर दी है। भगवान आपकी मनोकामनाओं को पूरी करे। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।